दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये जो अपडेट्स हैं अगर आप एक व्यूवर हैं या फिर आप एक क्रिएटर हैं तो ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक और बात मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो से रिलेटेड आपको कि ये जितने भी अपडेट्स हैं ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर हैं, इन फ्यूचर इनको इम्प्लीमेंट करेगा यूट्यूब और अगर उसे ये अपडेट समझ में आता है, लगता है कि क्रिएटर के लिए फ़ायदेमंद है या फिर व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर से उसे वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ऐसे में अभी तो ये अपडेट सिर्फ कुछ ही जगह आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ही टाइम आपको देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो पहला जो अपडेट है वो कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी कहने का मतलब जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जितने भी आप बड़े बड़े चैनल्स देखते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, उन सारे चैनल्स के पास में क्या होती है, कंटेंट आईडी होती है अपनी। और इस कंटेंट आईडी की हेल्प से क्या होता है कि जब भी आप इनके सॉन्ग को अगर थोड़ा सा भी गा भी देते हैं अपने मुंह से, या हम टी सीरीज की बात करें या सारेगामा पा चैनल की बात करें, अगर आप इनके सॉन्ग को अपने मुंह से थोड़ा सा भी गा देते हैं तो आपके वीडियोस पे आ जाता है ऑटो क्लेम, जिसकी वजह से आपकी जो रेवेन्यू है वो भी शेयर हो जाती है और एक स्ट्राइक आने का खतरा भी, एक नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है कि इन फ्यूचर आपको स्ट्राइक भी आ सकती है। तो ऐसे में ये जो चीज है ये इन फ्यूचर आपको हो सकता है देखने को ना मिले और एक कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाए। तो ये चीजें अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे हैं, गूगल हेल्प फोरम में ऐसी कुछ बात की जा रही है और अभी तक ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दूसरे यूट्यूब अपडेट के बारे में और ये जो अपडेट है ये कुछ व्यूवर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ज्वाइन बटन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 100K सब्सक्राइबर्स वाले जितने भी चैनल्स हैं उनको मिल गया था और इस ज्वाइन बटन में क्या अपडेट आया, ये अपडेट एक्सपेरिमेंट के तौर पे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। दोस्तों इनकी एक मेंबरशिप का चार्ज हुआ करता था, अभी भी होता है, 159 रुपये ऐसा कुछ चार्ज होता है। तो इसमें वो क्या करते थे, अगर आप इनके मेंबर हो जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कर सकते थे अपनी कम्युनिटी टैब में। तो ऐसे में यूट्यूब को लगा कि जिन भी लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस मेंबरशिप का, तो उन्होंने क्रिएटर्स के लिए क्या किया कि अगर उनका कोई भी सब्सक्राइबर्स मेंबरशिप ले रखा है तो उन्होंने एक अपलोड के पास में ही बटन दे दिया कि फॉर मेंबरशिप ओनली, और वहाँ पर वो अब ऐसी वीडियोस भी डाल सकते हैं जो सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों के लिए होगी। अगर वो वीडियो अपलोड करते हैं फॉर मेंबरशिप ओनली पे लगाकर तो वो वीडियो जो होगी वो सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों को ही शो होगी, बाकी लोगों को वो शो नहीं होगी। तो ऐसे में क्रिएटर स्पेशल ट्रीट कर सकता है उस व्यूवर को जिसने भी मेंबरशिप ले रखी है। ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है वो स्टोरीज टैब को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टोरी वाला टैब वाला सेक्शन जो आप देखते थे, जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते थे और स्टोरी वाले सेक्शन में जाते थे तो आपको स्टोरी देखने को मिलती थी, लेकिन ऐसे में उसमें चेंज क्या किया गया है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो चेंज ये हुआ है कि जब भी आप YouTube ओपन करेंगे तो जैसे आप Facebook में देखा करते थे कि आपके जो भी फ्रेंड्स होते थे उन्होंने एक स्टोरी लगा रखी होती थी, अपडेट्स लगा रखा होता था, वो आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाता था, तो ऐसे में जब आप YouTube ओपन करेंगे तो आपको होम वाले सेक्शन में ही जिस भी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया रखा है तो उनकी जो स्टोरीज होगी वो आपको होम में ही देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छा है, एक अच्छा एंगेजमेंट बनेगा उस सब्सक्राइबर्स के साथ में जिस भी चैनल ने आपको सब्सक्राइब करके रखा है। तो फिर ये काफ़ी अच्छा जो अपडेट है वो आपको YouTube के एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, जल्दी ये अपडेट आ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और जो नेक्स्ट अपडेट है वो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। मतलब मुझे लग रहा है ना, ये जो अपडेट है ये अभी नहीं, ये काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। आप चलिए बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में। जो यहाँ पे चौथा अपडेट है वो YouTube के एप्लीकेशन में किया गया है और ये ऑटो प्ले को लेकर हुआ है, और ऑटो प्ले को लेकर ये क्या अपडेट हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों जब आप अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसमें आप कोई भी सेक्शन ओपन कर रहे हो, चाहे वो होम सेक्शन हो, चाहे वो ट्रेंडिंग का सेक्शन हो, या कोई भी सेक्शन अगर आप ओपन करते हैं तो वीडियोस वहां पे आपको देखने को मिलती है स्टॉप, मतलब सिर्फ आपको थंबनेल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें पीसी में अपने ओपन करते हैं तो आपको वो वीडियो कहीं ना कहीं, या आपने बहुत सी वेबसाइट देखी होगी जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको वीडियो थोड़ी बहुत मूवमेंट में दिखाई दे रही होती है और उस वीडियो के अंदर जो कुछ भी होता है वो आपको थोड़ी बहुत सीन नज़र आ जाती है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार जो थंबनेल में दिखाया गया है क्या वही चीजें YouTube की उस वीडियो में दिखाया गया है या फिर नहीं दिखाया गया है। तो ऐसे में आपका जो भी डिसीजन है उस वीडियो के लिए वो बदल भी सकता है अगर उसमें कुछ फेक है। तो ये जो चीज है ये काफी पहले आ जानी चाहिए थी और यार ये काफी ज्यादा कमाल का हो जाएगा अगर YouTube के
एप्लीकेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर है, अगर इन फ्यूचर यूट्यूब को ये अच्छा लगता है तो ये इम्प्लीमेंट कर देगा। और यार ये जो अपडेट है ये व्यूवर्स के लिए भी और क्रिएटर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। व्यूवर्स के लिए इसलिए अच्छा है कि वो उस क्लिकबेट जैसी चीज़ों से बचेंगे और फेक चैनल्स जो हैं, फेक वीडियोस जो बनाते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा भाई इस वीडियो में कुछ फेक है तो आप उस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे। तो यार ये जो अपडेट था वो मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। और इसमें से जो अपडेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो वो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और यार अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्या जाता है। तो मिलते हैं एक न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's